हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम कंपैरेटिव वर्टिब्रेट एनाटॉमी के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब वर्टिब्रेट्स में कंपैरेटिव स्टडी कर रहे थे उनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स की, उनके जो फंक्शंस हैं, मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं, उनके हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वर्टिब्रेट्स का, उसकी कंपैरेटिव स्टडी की थी, लंग्स के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम यूरिनोजेनिटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बेसिक लेवल पे हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे पीसेज एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया के बीच में, ठीक है। जो हम ऑर्गेनिजम्स लेंगे वो पीसेज में लेंगे डॉग फिश, एम्फीबिया में फ्रॉग, रेप्टिलिया में लिजार्ड, एप्स में लेंगे पिजन और मैमल्स में लेंगे रैबिट, ठीक है। तो इनके हम एक कंपैरेटिव स्टडी करके देखेंगे कि इनका जो यूरिनोजेनिटल सिस्टम है वो किस तरह का होता है, और कुछ कैरेक्टर्स के आधार पर हम कंपैरिजन करेंगे। जाहिर सी बात है, जब कंपैरिजन होता है तो कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के आधार पर ही होता है, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हमें जो पढ़ना है वो है फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमेलिया, इनमें कंपैरिजन करना है। फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमेलिया, यूरिनोजेनिटल सिस्टम्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब सबसे पहली चीज़ कि ये जो चैप्टर है यूरिनोजेनिटल सिस्टम, इसमें हमें पढ़ना क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाओ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब यूरिनरी सिस्टम जो है वर्टिब्रेट्स में, जिसमें किडनी और उसके डक्ट्स आते हैं, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें मेल और फीमेल के गोनेड्स आते हैं और उनके डक्ट्स आते हैं, ठीक। अब किडनी का काम क्या होता है, जो हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट है, नाइट्रोजिनस वेस्टेज है, उनको शरीर के बाहर एक्सपेल आउट करना, बाहर भेजना। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या काम होता है, नई स्पीशीज बनाना, रिप्रोड्यूस करवाना, ठीक है, गैमिट्स का फॉर्मेशन करना। ऐसे तो दोनों का अगर फंक्शन देखा जाए तो दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम और जेनिटल सिस्टम दोनों अलग अलग है, पर यहाँ पे चूंकि दोनों मॉर्फोलॉजिकली एक ही जगह स्थित हैं, अगर मेल की भी बात करें तो जो क्या कहते हैं यूरिनोजेनिटल सिस्टम में पूरा सिस्टम जो है वो जेनिटल सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम क्लोज कॉम्पैक्ट है, एक ही साथ है, एक ही जगह है। इस कारण से हम यूरिनरी सिस्टम और जेनिटल सिस्टम कंबाइन करके यूरिनोजेनिटल सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम भी आ जाएगा और उसके साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आ जाएगा, यूरिनरी सिस्टम भी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी, दोनों कंपैरिजन, दोनों मिला के बनता है यूरिनोजेनिटल सिस्टम। अब हमें करना है इसमें कंपैरेटिव स्टडी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में। सबसे पहले फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया के बीच में जो हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी है, उसका पहला आधार होगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो पहला आधार होगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन कैसे होते हैं इनमें, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो फिशेज की बात करें तो उसमें इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनी, एक पेयर किडनी पाई जाएगी, यूरिनरी डक्ट पाए जाएंगे और यूरिनोजेनिटल साइनस पाया जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई ब्लैडर नहीं पाया जाएगा। फिशेस की बात करें तो पेयर ऑफ किडनी, डक्ट्स, उसके बाद यूरिनोजेनिटल या यूरिनरी डक्ट्स हो गए, उसके बाद यूरिनोजेनिटल साइनस, यूरिनोजेनिटल साइनस और किसी भी प्रकार का ब्लैडर नहीं पाया जाएगा, ठीक है, कोई भी ब्लैडर नहीं पाया जाएगा। ये हो गया एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में। आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ। पेयर ऑफ किडनी, डक्ट्स, यूरिनोजेनिटल साइनस और किसी भी प्रकार का कोई ब्लैडर नहीं, फिशेस के केस में। एम्फीबियंस की बात करें तो पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे बात करें तो पेयर ऑफ किडनी, किडनी के बाद यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, पेयर ऑफ यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर
एक यूरी नरी ब्लैडर, ठीक है, पेयर पाया जाएगा किडनी का, पेयर पाया जाएगा यूरेटर का, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर पाया जाएगा और एक क्लोइका पाया जाएगा। क्लोइका क्या होता है? क्लोइका जो होता है वो कॉमन ओपनिंग होती है डाइजेस्टिव और यूरिनोजेनिटल ट्रैक की, ठीक है, एक डाइजेस्टिव ट्रैक, यूरिनोजेनिटल ट्रैक, इन सब की कॉमन ओपनिंग होती है, कॉमन पैसेज होता है, जिसको अपन क्लोइका बोलते हैं। रेप्टिलिया की अगर अपन बात करें तो पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, पेयर्ड यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और क्लोइका, और कोई भी ब्लैडर नहीं। तो किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और क्लोइका, क्लोइका, इतनी चीज़ें सेम यहाँ पे चीज़ें पाई जाएंगी, बस सेम एज एम्फीबिया। बस एक चीज़ लिख लो कि नो यूरिनरी ब्लैडर, कोई यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाएगा, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें एम्फीबिया की तरह ही पाई जाएंगी, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और क्लोइका, इतनी चीज़ें पाई जाएंगी, ठीक है। एव्स की बात करें तो पेयर ऑफ किडनी और पेयर ऑफ यूरेटर और क्लोइका, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर और क्लोइका, यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे नहीं पाया जाएगा, बाकी सारी चीज़ें पाई जाएंगी, पेयर ऑफ किडनीज, पेयर्ड यूरेटर, नो यूरिनरी ब्लैडर, नो यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाएगा और क्लोइका प्रेजेंट होगा। क्लोइका प्रेजेंट होगा। मैमल्स की अगर अपन बात करें, मैमेलिया की बात करें तो पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर्स, एक ब्लैडर और एक यूरेथ्रा, तो यहाँ पे किडनीज पाई जाएंगी, किडनी के बाद यूरेटर पाया जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर पाया जाएगा, साथ ही साथ यूरेथ्रा पाया जाएगा ओपनिंग, ठीक है। तो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा यहाँ पे पाया जाएगा, इतनी चीज़ें यहाँ पे, पहला जो हमारा कंपैरेटिव स्टडी था जिसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में देखना था, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमेलिया, इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं हमने स्टडी कर ली। एक्सक्रीटरी ऑर्गन फिश, किडनी पेयर में पाए जाएंगे, डक्ट्स पाए जाएंगे उसके, यूरिनोजेनिटल साइनस और कोई भी प्रकार का ब्लैडर नहीं पाया जाएगा। एम्फीबिया में पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और क्लोइका पाया जाएगा। रेप्टिलिया में सारी चीज़ें पाई जाएंगी एम्फीबिया वाली, बस यहाँ पे एक यूरिनरी ब्लैडर जो है एब्सेंट रहेगा। एव्स में यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट रहेगा, पेयर ऑफ किडनी, पेयर्ड यूरेटर प्रेजेंट रहेगा, क्लोइका प्रेजेंट रहेगा। और मैमेलिया की बात करें तो पेयर में किडनी, पेयर में यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, साथ ही साथ ओपनिंग होगी यूरेथ्रा की, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से। अब आगे चलते हैं हम लोग एक्सक्रीटरी ऑर्गन के आगे, नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बाद का जो अपना पॉइंट है वो है किडनीज। किडनीज कैसी रहेगी, किडनी कैसी रहेगी, ठीक है। किडनी की बात करें तो यहाँ पे एंटेरियो पोस्टेरियर जुड़ी हुई किडनी, किडनी की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो एडल्ट किडनी जो है वो इलॉन्गेटेड होगी और एंटेरियर पोस्टेरियरली रिबन लाइक होगी। पहला पॉइंट आप लिखो, किडनी जो होगी फिशेज में वो रिबन लाइक होगी, इलॉन्गेटेड होगी, ठीक है। रिबन लाइक और इलॉन्गेटेड। एम्फीबिया की वहीं अगर अपन बात करें तो इलॉन्गेटेड होगी, ओवल होगी, फ्लैट होगी।
इलोंगेटेड, ओवल, फ्लैट, डॉर्सोवेंट्रली अटैच्ड डॉर्सली, ठीक है, डॉर्सली अटैच्ड रहेगी। उसके बाद अगर अपन बात करें मेसोनेफ्रिक टाइप की, यहाँ पे किडनी रहेगी, यहाँ पे जो किडनी रहेगी वो कैसी रहेगी, मेसोनेफ्रिक टाइप की किडनी रहेगी। उसके बाद अगर अपन बात करें रेप्टिलिया की, इलोंगेटेड, ओवल, फ्लैट, मेसोनेफ्रिक टाइप की किडनी, एम्फीबिया में रिबन लाइक होता है, रिबन लाइक फ्लैट होता है, इलोंगेटेड होता है फिश में। रेप्टाइल्स की अगर अपन बात करें किडनी की, तो यहाँ पे जो किडनी होती है इररेगुलर अटैच्ड रहती है डॉर्सली, स्मॉल होती है पहले तो साइज में, किडनीज आर स्मॉल इन साइज, छोटी होती है साइज में। उसके अलावा इररेगुलरली अटैच्ड डॉर्सली एंड लाइन पेल्विक रीजन, सबसे पहले चीज़ लाई मतलब कि कहाँ पे मौजूद होती हैं, पेल्विक रीजन में, जो कमर वाला हिस्सा होता है ना, पेल्विस वाला हिस्सा, तो वहाँ पे पेल्विक रीजन में जो है ये मौजूद रहती है। उसके बाद अगर अपन देखें तो दोनों किडनियाँ जो होती हैं वो बाईलोब्ड रहती है, दो लोब मौजूद रहते हैं किडनियों में, ठीक है, तो किडनीज आर बाईलोब्ड एंड दे आर मेटानेफ्रिक, मेटानेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी। उसके बाद एव्स की अगर अपन बात करें तो स्मॉल फ्लैट किडनियाँ होती है, एव्स की बात करें तो यहाँ पे स्मॉल फ्लैट टाइप की किडनी होती है। उसके अलावा स्मॉल हो गई, फ्लैट हो गई, फ्लैट के बाद पेल्विक रीजन में ये अटैच रहेगी, पेल्विक रीजन जो होगा, कमर वाला रीजन जो होगा, वहाँ पे ये क्या होगी, अटैच्ड होगी, मेटानेफ्रिक काइंड की ये किडनी होगी। और पहली चीज़, एक और चीज़ है कि जो ईच किडनी जो है, दोनों किडनियाँ यहाँ पे क्या थी, बाईलोब्ड, यहाँ पे होगी ट्राईलोब्ड एंड मेटानेफ्रिक टाइप की होगी किडनी, ट्राईलोब्ड होगी, मेटानेफ्रिक टाइप की किडनी होगी। फाइनली आते हैं अपन मैमेलिया में, तो यहाँ पे किडनी जो है स्मॉल बीन शेप होगी, ठीक है, और किसी भी लोब में डिवाइडेड नहीं होगी। मैमेलियन किडनी के बारे में आप सबको पता है, स्मॉल बीन शेप, कोई भी लोब्स प्रेजेंट नहीं होंगे और मेटानेफ्रिक होगी, स्मॉल होगी, बीन शेप होगी, कोई भी लोब्स मौजूद नहीं होंगे और मेटानेफ्रिक टाइप की किडनी पाई जाएगी मैमेलिया में। तो किडनीज के बारे में हमने देख लिया, रिबन लाइक इलोंगेटेड फिश में, इलोंगेटेड, ओवल, फ्लैट, मेसोनेफ्रिक टाइप एम्फीबिया में, स्मॉल पेल्विक रीजन में पाई जाने वाली दो लोब वाली, दो लोब मतलब दोनों किडनी में दो दो लोब, और मेटानेफ्रिक रेप्टिलिया में, एव्स में स्मॉल होती है, फ्लैट होती है, अटैच होती है पेल्विक रीजन से, हर किडनी में तीन तीन लोब मौजूद होते हैं और मेटानेफ्रिक होती है, मैमेलिया में कोई लोब्स मौजूद नहीं होते किडनीज में, स्मॉल होती है, बीन शेप होती है और मेटानेफ्रिक टाइप की किडनी होती है। तो किडनी भी डिफरेंशिएट हमने कर लिया। किडनी के बाद जो आता है वो हो गया हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी, मतलब कि किस प्रकार से इनकी हिस्टोलॉजी है, मतलब कैसे बने हैं, किन चीज़ों से मिलके बने हैं, हिस्टोलॉजी क्या है उसके बारे में देखते हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी, थर्ड पॉइंट, हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी, हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी की अगर अपन बात करें तो यहाँ सबसे पहले फिश की तो बात करें तो किडनी जो है वो वेंट्रली पेरिटोनियम से कवर्ड रहती है, कवर्ड वेंट्रली बाय पेरिटोनियम,
पेरिटोनियम की लेयर से वेंट्रल मतलब अगले हिस्से से ये कवर रहती है, डिफरेंशिएटेड रहती है कॉर्टेक्स और मेडुला में, ठीक है, डिफरेंशिएट रहती है कॉर्टेक्स और मेडुला में, कॉर्टेक्स और मेडुला में डिफरेंशिएटेड रहती है। एम्फीबियंस की वही बात करें तो फिशेस की तरह सेम होता है, और रेप्टिलियंस की बात करें तो फिशेस और एम्फीबियंस की तरह सेम होता है, इन दोनों में सेम एज फिशेस, रेप्टिलियंस में सेम एज फिशेस एंड एम्फीबिया, एम्फीबिया और फिशेस की तरह रेप्टिलिया में भी सेम होता है, तो इन दोनों में पूरी तरह से सेम होता है। उसके बाद एव्स की बात करें तो सेम चीज़ें आती है कि वेंट्रली जो है पेरिटोनियम से कवर्ड रहते हैं, कवर्ड बाय पेरिटोनियम वेंट्रली, मतलब वेंट्रल साइड से, डॉर्सल साइड पीछे वाला, वेंट्रल साइड आगे वाला, तो किडनी का जो आगे वाला साइड है वहाँ पे पेरिटोनियम की लेयर मौजूद होगी। उसके बाद कॉर्टेक्स और मेडुला में डिवाइडेड रहेंगे, यहाँ पे भी सेम कॉर्टेक्स और मेडुला में डिवाइडेड रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें यूरिनिफेरस ट्यूबुल्स पाए जाते हैं, जो ट्यूबुल्स जो रीअब्जॉर्प्शन के लिए ट्यूबुल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। रीअब्जॉर्प्शन के लिए ट्यूबुल्स जो हैं वो फिशेज़ में भी पाए जाते हैं, पर वो कॉइल्ड होते हैं, पर यहाँ पे वो कॉन्वोल्यूटेड होते हैं। फिशेज़ में जो ट्यूबुल्स पाए जाते हैं वो कॉइल्ड रहते हैं, पूरे एक दूसरे घूमे रहते हैं, पर यहाँ पे अगर एव्स की मैं बात करें तो वो जो है यूरिनिफेरस रहते हैं, जो है कॉन्वोल्यूटेड रहते हैं, हेनले लूप्स आप जैसे जानते होंगे उस तरह से, ठीक है। मैमल्स की बात करें तो जो किडनी है वो वेंट्रली पेरिटोनियम से घिरी हुई रहती है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला में डिफरेंशिएटेड रहती है, और कॉन्वोल्यूटेड यूरिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं, ठीक है, कवर्ड बाय पेरिटोनियम और कॉर्टेक्स मेडुला में डिवाइडेड है, और कवर्ड बाय पेरिटोनियम कॉर्टेक्स और मेडुला में डिवाइडेड है। उसके बाद और क्या है, यूरिनिफेरस ट्यूबल्स जो है वो कॉन्वोल्यूटेड होते हैं, कॉन्वोल्यूटेड यूरिनिफेरस ट्यूबल्स, ठीक है, कॉन्वोल्यूटेड यूरिनिफेरस ट्यूबल्स, जैसे हेनले रूप का शेप है ना यू शेप, उसी की बात कर रहा हूँ मैं, तो कॉन्वोल्यूटेड शेप के ये रहते हैं। तो ये कुछ कंपैरेटिव हमने स्ट्रक्चर्स देखे थे किडनी के। ऐसे तो और भी स्ट्रक्चर हैं, लाइक हम अगर देखा जाए तो यूरिनिफेरस ट्यूबुल्स के बारे में वहाँ पढ़ सकते हैं। यूरिनिफेरस ट्यूबुल्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो हेनलेस लूप यहाँ पे आता है, हेनलेस लूप कहीं प्रेजेंट होते हैं, हेनलेस लूप नहीं प्रेजेंट होते। यूरिया का फिल्ट्रेशन जो है मैमेलिया में कहाँ होता है, ग्लोमेरुलस में हो जाता है, बाकियों में हेनलेस लूप में हो जाता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है हेनलेस लूप में। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो फिशेज में एब्सेंट रहता है, जो एम्फीबियंस है उसमें लार्ज होता है, थिन वॉल्ड का होता है, रेप्टिलियंस में स्मॉल होता है, एव्स में एब्सेंट होता है, और हमारे अंदर भी लार्ज होता है ताकि वो यूरिन को स्टोर करके रख सके। तो ये कुछ छोटे छोटे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं, इनको हम आगे और कंटिन्यू करेंगे, आज सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए मैंने इसको बता दिया, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करना और अच्छे से एक बार पढ़ना। आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं, अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, थैंक यू वेरी मच।